बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। सीएम नीतीश की पहली जनसभा केसरिया में आयोजित थी। पहली जनसभा में नीतीश कुमार ने केसरिया के जेडीयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा को जिताने की अपील की। नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर अटैक करते हुए कहा कि हम पर कुछ लोग ज़्यादा बोलता है, हम पर अनाप शनाप बोलेगा तब खूब प्रचार होगा। ऐसे कौन प्रचार करेगा इसका, हम पर बोलेगा तब न बढ़िया से प्रचारित होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि उसे ना कोई समझ है ना अनुभव है, अगर एक बार फिर से काम करने का मौका दीजिएगा तो और भी काम करेंगे। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ की प्रत्याशी जीवन भर यहाँ के लोगों की सेवा करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार को हम लगातार आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है। पहले बिहार का क्या हाल था, 15 साल काम करने का अवसर मिला, पति पत्नी राज में क्या हुआ। पहले शाम होते ही घर में लोग दुबक जाया करते थे, पहले जंगल राज था, नरसंहार की घटनाएं घटती थी, लोगों का अपहरण होता था। उन्होंने कहा कि अपराध के मामले में बिहार 23वें पायदान पर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर करते हैं। पहले किसी का सम्मान था क्या, महिलाओं की इज्जत थी। हम लोगों ने महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया, आज हर क्षेत्र में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। विरोधियों पर अटैक करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि आज तो बहुत लोग भड़काने में लगे रहते हैं, लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम काम में विश्वास करते हैं। पहले कार्यकाल में जितना काम किया उससे अधिक दूसरे कार्यकाल में किया और सबसे अधिक काम इस कार्यकाल में किए हैं।